हमारे हिंदू धर्म में सभी त्यौहार सदियों से बड़ी धूमधाम से मनाने की परंपरा रही है। त्यौहार हो या व्रत, हर किसी का अपना महत्व और विशेषता है। वहीं हिंदू समाज में अमावस्या और पूर्णिमा को भी बहुत खास माना जाता है। बात करें पूर्णिमा की, तो इस दिन भगवान चंद्रदेव की विशेष पूजा की जाती है। सभी महिलाएं इस दिन व्रत रखकर अपने परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करती हैं। बात करें शरद पूर्णिमा की, तो इस दिन खीर का बड़ा महत्व होता है। कहा जाता है इस दिन चंद्रदेव अमृत की बारिश करते हैं, जिसे खीर के माध्यम से खाया जा सकता है। साथ ही हर साल अग्नि माह के शुक्ल पक्ष में शरद पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत भी रखा जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनकी उपासना की जाती है, जिसके बाद ऋतु परिवर्तन होता है और शरद ऋतु का आगमन होता है। इसे शरद पूर्णिमा इसीलिए कहा जाता है। इस साल शरद पूर्णिमा का व्रत 28 अक्टूबर को रखा जाएगा। हमारे शास्त्रों के मुताबिक शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव पृथ्वी के सबसे करीब होते हैं। इस दिन दूध की खीर बनाने का विशेष महत्व माना जाता है। सभी लोग अपने घर में खीर बनाते हैं और एक बर्तन में खीर भरकर उसे छत पर रख देते हैं। ऐसा करने से चंद्र की किरणें खीर में पड़ती हैं और खीर औषधीय गुणों से भर जाती है। हरिओम, जय भोलेनाथ की। सभी भक्तों को माता रानी की भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर वर्ष शरद पूर्णिमा को सभी व्यक्ति भगवान का भोग लगा के खीर बनाकर अपने छत के ऊपर रखते हैं, ताकि जो चंद्र की रोशनी है वो खीर पर पड़े। लेकिन इस बार चंद्र ग्रहण 27 अक्टूबर को होने के कारण इस बार खीर नहीं रखी जाएगी 27 तारीख को। उस तो आप लोगों को मालूम है कि 28 अक्टूबर को पूर्णिमा भी है, उस दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। इस कारण से 27 तारीख को रात चतुर्दशी है, उसके बाद पूर्णिमा लग रही है सुबह 4 बजे से। इसलिए जो भी लोग खीर को 27 तारीख को रखेंगे, तो उनको शरद पूर्णिमा की औसत युक्त रोशनी पड़ जाएगी और वो प्रातः पे उसका सेवन कर सकते हैं औसत युक्त खीर का। तो इस सभी भक्तों से यही अनुरोध है कि जो भी लोग इस बार शरद पूर्णिमा को खीर रखते हैं, वो लोग 28 को न रख कर 27 तारीख की रात को रख दें बनाकर। तो 28 तारीख को सुबह चंद्रमा की रोशनी उसमें पड़ जाएगी और वो खीर औसत युक्ति हो जाएगी। उत्तराखंड ऋषिकेश से ईशा बिरोरिया, लोकल 18 के लिए।